गुड़गावा अब जो है उससे 10 गुना ऊपर आगे बढ़ेगा। गुड़गावा को मैं दुबई जैसा देख रहा था, कोई भी सस्ती नहीं हो रही यहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार, मैं हूँ रमाकांत उपाध्याय। इस समय गुरुग्राम के हम सेक्टर 45 के अंदर बैठे हुए हैं, जहां पर आज एक रियल एस्टेट का भव्य कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है। हमारे बीच में मोहित रहेजा जी मौजूद हैं। मोहित जी, आज आपने काफ़ी लंबे समय से इसका, आपको भी इंतज़ार था और लोगों को इंतज़ार था, और रियल एस्टेट गुरुग्राम से संबंधित है, या ये कहा जाए जब भी रियल एस्टेट की बात होती है तो गुरुग्राम नंबर एक इंडिया में। हाँ जी, तो कैसे देखते हैं आज आपने अपने ऑफिस का उद्घाटन भी किया? नहीं, गुड़गांव ने पहले भी बहुत तरक्की करी है, आगे भी बहुत तरक्की की उम्मीद है यहाँ पर। अब जैसे आज भी कहते हैं बॉम्बे हाईवे का भी उद्घाटन हुआ है, तो उससे भी मुझे उम्मीद है कि बहुत लैंड में भी और कहते हैं कमर्शियल में, आईटी में, सब में कहते हैं सुधार बहुत आएगा। बहुत उम्मीद है मुझे, बहुत उम्मीद। गुड़गांव अब जो है उससे 10 गुना और आगे बढ़ेगा, 100% मुझे पूरी उम्मीद है। आपके फादर ने 25 साल पहले कार्य प्रारंभ किया। हाँ जी, हाँ जी। आप निरंतर, आपका तो ये एक पारिवारिक व्यवसाय भी है, तो कैसे मतलब आज उस समय के व्यवसाय को, रियल एस्टेट को, और आज के व्यवसाय रियल एस्टेट को कैसे देखते हैं आप? नहीं, ऐसा है कहते हैं अभी कुछ चीज बाकी है, कहते हैं मैं एक कहते हैं अपने अपने पॉइंट से मैं ये देखता हूँ कि कहते हैं गुड़गांव को मैं दुबई जैसा देखना चाहता हूँ, दुबई से भी ऊपर, और ऐसा ही चलता रहा तो करके भी दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आपके किस किस कंपनी के साथ टाई अप है आप गुड़गांव में, जैसे M3M हुआ, DLF हुआ? हाँ जी, DLF के साथ भी करते हैं सर, M3M के साथ भी, ओमैक्स, अपना रहेगा, अपना सबके साथ ही करते हैं हम, सबको लैंड दी है हमने कहते हैं। अभी इस समय गुड़गांव की रियल एस्टेट की बात की जाए तो क्या है इस तरह, मतलब किस तरीके से अभी हाई पकड़ रहा है, या मतलब बढ़ रहा है, या फिर अभी रुका हुआ है? नहीं, गुड़गांव हाई कर रहा है, क्योंकि हर हफ्ते कहते हैं यहाँ पे कम से कम 10,000 से 15,000 लोग आ रहे हैं, तो उससे कहते हैं एप्रिसिएशन डे बाय डे हो रहा है, कोई भी सस्ती नहीं हो रही यहाँ पे चीज, कहते गुड़गांव में, और ऐसी एप्रिसिएशन होती रहेगी यहाँ पर 100%। सरकार जब बदलती है तो क्या लगता है आपको, जैसे कभी कांग्रेस कभी भाजपा, तो इससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं, गुड़गांव में मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले भी नहीं पड़ा, अभी नहीं पड़ा। कहते वैसे रियल एस्टेट में इस बार बजट भी सरकार ने गुड़गांव के लिए बहुत कम दिया। हाँ जी, कैसे दिखते हैं? बस वो पब्लिक ही करेगी। यहाँ पर काफ़ी अतिथि लोग भी पहुँच रहे हैं, आज इनका उद्घाटन का जो समय रहा आज दिन का, जिसमें लोगों ने, कई सैकड़ों लोगों ने आज इसमें अपने आकर शुभकामनाएं बधाइयाँ भी दी। उसी बीच में हमारे बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमित भारद्वाज भी मौजूद हैं। अमित भारद्वाज, कैसे देखते हैं आज आपके परम मित्र मोहित ने आज एक ऑफिस का उद्घाटन रियल एस्टेट का किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं भाई मोहित को और इनके पूरे परिवार को इस नए कार्यालय के उद्घाटन पर शुभकामनाएं देता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आज एक ही कार्यालय का इन्होंने भव्य उद्घाटन किया है, ऐसे गुड़गांव के कोने कोने में इनके निरंतर जो हैं कार्यालय खुलते चले जाएं, और गुड़गांव गुड़गांव नहीं पूरे प्रदेश में जो हैं नए कार्यालय खुलें, और ऐसे ही हमें बुलाते रहें, हम इनको हार्दिक शुभकामनाएँ देते रहें। और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही भव्य है आज इन्होंने बहुत ही सुंदर कार्यालय ऑफिस जो अपना बनाया है रियल एस्टेट का, और इनके जो फादर है बाबूजी श्रवण रहेजा जी, वो भी काफ़ी समय से जो है इस लाइन से जुड़े हुए हैं रियल्टी में, बड़ा अच्छा कारोबार उन्होंने किया है, और उसको मोहित और इनके जो भाई मिलकर हैं इस कारोबार को आगे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और विकास की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरी इन पूरे परिवार को, रहेजा परिवार को, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रियल एस्टेट की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम शहर इंडिया में टॉप 5 शहरों में नंबर 1 पर आता है। यहाँ पर दिन प्रतिदिन रियल एस्टेट, चाहे M3M बिल्डर की बात की जाए या फिर DLF की बात की जाए, ये कुछ नया आए दिन, और यहाँ पर बड़ी से बड़ी इमारतें, गगनचुम्बकी इमारतें खड़ी कर रहे हैं। उसी के साथ, उसी कड़ी के साथ मोहित रहेजा जी भी अपने कामों को उनके साथ एक MOU हस्ताक्षर करने के साथ मिलकर उनके साथ काम करते हैं, जिससे कि उनका एक सपना भी है कि आज हमारा गुरुग्राम दुबई की तरह दिखे और इंडिया में नंबर 1 हमेशा से है और रहे।